छत्तीसगढ़ में तीसरी बार रमन सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। रायपुर में एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। समारोह में नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। 11:40 पर जो वक्त हो चुका है, अब शपथ ग्रहण करेंगे। शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। गोवा पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी की। लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल भी पहुंचे हैं और मीनाक्षी लेखी नजर आई मंच पर, वसुंधरा राजे नजर आई, शिवराज सिंह चौहान नजर आए, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सभी दिग्गज नेता पहुंचे और ये रमन सिंह पहुंच गए हैं जो तीसरी बार बनेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से ये पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हो। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रमन सिंह पहुंच गए हैं जो अब किसी भी वक्त शपथ ग्रहण करेंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ के। 25,000 लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 49 सीटें जीतकर उनकी पार्टी ने ये चुनाव जीता और रमन सिंह को चुना गया विधायक दल का नेता। सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका सम्मान, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लेंगे सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी। हमारे बीच में पधार चुके हैं, कुछ ही क्षणों के बीच में महामहिम राज्यपाल जी मंच पर आने वाले हैं। आपसे आग्रह है कि अपनी जगह स्थान से प्रिय गुस्से में रमन सिंह पहुंच चुके हैं मंच पर। तस्वीर देख रहे हैं आप रमन सिंह के, रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें। रमन सिंह लेंगे तीसरी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल आ गए हैं जो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाएंगे। शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं रमन सिंह। और राज्यपाल भी इस वक्त मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। राज्यपाल किसी भी वक्त रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे और 25,000 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता सभी लगभग जो राज्य हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। बीजेपी ने इन विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और छत्तीसगढ़ में तीसरी बार बीजेपी पहुंची है, चुनाव जीता है तीसरी बार बीजेपी ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे रमन सिंह। सब वहां पर मौजूद, किसी भी वक्त शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो सकती है। राज्यपाल मंच पर और रमन सिंह जिन्हें ये शपथ दिलवाई जाएगी, तो रमन सिंह शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में तीसरी बार बनेंगे रमन सिंह मुख्यमंत्री। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाओ। हम लोग तो बहुत दूर है आपसे। मैं डॉक्टर रमन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुरूप न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर रमन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ले चुके हैं रमन सिंह, बन गए हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अब से कुछ वक्त पहले शपथ दिलवाई है रमन सिंह को। काफी बड़ी उपलब्धि है ये बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर थी इस वक्त, जिस वक्त चुनाव के नतीजे आ रहे थे, कभी कांग्रेस आगे हो रही थी तो कभी बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने बाजी मारी और 49 सीटों के साथ उन्होंने ये चुनाव जीत लिया और छत्तीसगढ़ में फिर से रमन सिंह को मौका मिला एक बार मुख्यमंत्री बनने का। सभी लोग मंच पर मौजूद, बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंचे हैं मंच पर। बीजेपी की ओर से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सभी नेता एकजुट हैं और इस वक्त क्योंकि हर तरफ जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। तीसरी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है रमन सिंह ने, डॉक्टर रमन सिंह। 7 दिसंबर 2003 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान मिल रही है रमन सिंह को। वाजपेयी सरकार में वो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। 61 साल के रमन सिंह आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं। 1976 में जनसंघ से जुड़े, 1983 में करवधा से नगर पार्षद चुने गए थे रमन सिंह। 1990-1993 में एमपी विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। 1999 में राजनांदगांव से पहली बार सांसद चुने गए और इस बार भी राजनांदगांव से ही उन्हें जीत मिली। सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अडवाणी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी से व्यक्तिगत सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको अभिवादन देते हुए जा रहे हैं। सीएम साहब इस तरफ भी आएंगे सबसे मिलने भैया। हमारे बीच में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अर्जुन मुंडा जी भी आए, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दें।
हेलो